हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड आई होप यू गाइस आर डूइंग ग्रेट। तो आज का जो वीडियो है वो थंबनेल एंड टाइटल सब लोगों को पता ही चल गया होगा। तो मैं वैरायटी ऑफ मॉइस्चराइजर्स यूज करती हूँ, मतलब मैं जो यूट्यूबर्स को फॉलो करती हूँ तो उनके सजेशन पे या फिर मैं खुद ट्राई आउट करने के लिए भी बहुत सारा मॉइस्चराइजर वगैरह यूज करती हूँ। मेरे पास वीडियो में भी मैंने कई सारा मॉइस्चराइजर्स का रिव्यू शेयर किया है। तो आज का जो वीडियो है वो फ्रेग्रेंस फ्री मॉइस्चराइजर्स के ऊपर है। तो आउट ऑफ ऑल द मॉइस्चराइजर्स दैट आई यूज, तो मैंने 5 फ्रेग्रेंस फ्री ऑप्शन सिलेक्ट किया है एंड दोस 5 ऑप्शन आर रियली गुड। तो मैंने सोचा कि मैं उनका डिटेल रिव्यू एंड उनका डिटेल्स मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँ इस वीडियो में। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले जो मैं मॉइस्चराइजर मतलब मैं 1 to 5 रेंज में, मतलब 1 to 5 रैंकिंग में मैं मॉइस्चराइजर्स को मतलब कैटेगराइज करना चाहूंगी। तो सबसे पहले मतलब नंबर 5 में जो आता है तो वो है प्लम का ग्रीन टी ऑयल फ्री मॉइस्चराइजर, विच इज अ फ्रेग्रेंस फ्री ऑप्शन फ्रॉम देयर रेंज। तो इसकी पैकेजिंग कुछ इस तरह है, इसके ऊपर एक हार्ड कार्डबोर्ड पैकेजिंग आया था। तो मैं बहुत दिन से इसको यूज कर रही थी तो मैंने उसको फेंक दिया, सिर्फ ये बॉटल रह गया, ये पंप शेप बॉटल है एंड इट इज वेरी इजी टू कैरी एंड यू गेट 50 ml ऑफ द प्रोडक्ट प्राइस एट ₹470 एंड इसका शेल्फ लाइफ 2 ईयर्स है। तो इसका एक डिटेल रिव्यू मैंने अपने चैनल पे पहले शेयर किया हुआ है, तो यू कैन गो बैक टू दैट लिंक एंड चेक इट आउट। तो इसका बहुत सारा अच्छा अच्छा मतलब नेचुरल इंग्रेडिएंट्स है, तो मैं कुछ कुछ इंग्रेडिएंट्स आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। तो फर्स्ट जो मतलब बहुत सारे एंटीऑक्सीडेंट्स है उसमें ग्रीन टी एक्सट्रैक्ट्स है, एलोवेरा लीफ एक्सट्रैक्ट्स है, काकाटू प्लम यूज हुआ है, इसमें नियासिनामाइड है एंड देन इसमें विलो बार्क एक्सट्रैक्ट है, एलोवेरा है, फिर एक्वा है, ग्लिसरीन है एंड देन बीटेन है, स्क्वालिन है एंड सोडियम हाइलुरोनेट है, दैट इज हाइलुरोनिक एसिड जो कि मॉइस्चर बाइंड करती है हम लोग के स्किन में। और ये मुझे काफी अच्छा लगा, लेकिन प्राइस थोड़ा सा हाई है, लेकिन ये 5 रैंकिंग में आता है। उसके बाद मैं अपना जो 4th, 5th, 3rd, 2nd, 1st ऑप्शन है वो दिखाऊंगी। तो इसका लिड है, ऐसे ओपन करना होता है एंड आई विल शो यू द कंसिस्टेंसी। तो इसकी कंसिस्टेंसी कुछ ऐसी है, प्योर जेल है, बहुत अच्छे से हम लोग के स्किन में अब्सॉर्ब हो जाती है एंड मतलब कोई भी चिपचिपाहट या फिर ऑयलीनेस कुछ भी नहीं रहता है इसको अप्लाई करने के बाद, बहुत अच्छे से अब्सॉर्ब हो जाती है हम लोग के स्किन पे। तो देख सकते हैं आप, मतलब विद इन सम सेकंड्स मेरे हाथ में ये अच्छे से घुल गया एंड अब्सॉर्ब भी हो गया है। तो जो सेकंड ऑप्शन है वो है एविनो स्किन रिलीफ मॉइस्चराइजिंग लोशन। ये वेरी सेंसिटिव स्किन के लिए है एंड ड्राई स्किन के लिए है। तो मेरी ऑयली कॉम्बिनेशन स्किन है तो काफी मतलब कुछ टाइम ऑयली रहती है, कुछ टाइम बहुत ही ड्राई रहता है। तो मैंने सोचा कि मैं इसको ट्राई आउट करती हूँ कुछ ही दिन पहले। तो इसकी पैकेजिंग कुछ इस तरह आती है, तो यू गेट 71 ml ऑफ द प्रोडक्ट प्राइस एट ₹330 जो कि काफी इकोनॉमिकल एंड रीजनेबल है एंड इसका कुछ मेन इंग्रेडिएंट्स जो है वो है ओटमील एक्सट्रैक्ट, देन इसमें शिया बटर यूज हुआ है एंड देन इसमें आइसोप्रोपाइल पाल्मिटेट यूज हुआ है, सोडियम क्लोराइड यूज हुआ है, बेंजाइल अल्कोहल एज प्रिजर्वेटिव यूज हुआ है एंड एक्वा यूज हुआ है। तो ये मतलब कुछ मेन इंग्रेडिएंट है और एविनो एक अमेरिकन ब्रांड है, तो मतलब हेयर केयर प्रोडक्ट्स एंड स्किन केयर प्रोडक्ट्स यूज करती है। तो ये काफी मतलब आजकल मतलब एविनो का प्रोडक्ट्स काफी मतलब फेमस हो चुका है, मतलब नाइका फ्लिपकार्ट या फिर अमेजोन सब में आपको मिल जाएगा एंड इसका शेल्फ लाइफ 3 ईयर्स है। तो मैं इसका कंसिस्टेंसी दिखाती हूँ, इसका भी मतलब लास्ट वाला जो मॉइस्चराइजर है उसकी तरह ही कंसिस्टेंसी है एंड ये भी बहुत अच्छे से अब्सॉर्ब हो जाती है हम लोग के स्किन में। तो आप देख सकते हैं विद इन फ्यू सेकेंड्स मतलब ये अब्सॉर्ब होगी मेरे स्किन में और बहुत बहुत ही कम प्रोडक्ट चाहिए आपको अपने स्किन में अप्लाई करने के लिए, स्पेशली फेस एंड नेक पे अगर आप यूज कर रहे हो तो बहुत ही कम प्रोडक्ट चाहिए होता है, बहुत अच्छे से फैल जाता है, बहुत अच्छे से स्प्रेड हो जाता है। तो आज का जो थर्ड ऑप्शन है वो है फ्रॉम द ब्रांड सिंपल, इट इज सिंपल रिप्लेनिशिंग रिच मॉइस्चराइजर विच प्रोवाइड्स मॉइस्चराइजेशन टिल 12 आवर्स एज अ ब्रांड क्लेम्स। तो इसकी पैकेजिंग कुछ इस तरह है, ये मुझे एक आउटर बॉक्स में मिली थी तो मैंने उसको फेंक दिया क्योंकि मैं रेगुलर बेसिस पे इसको यूज करती हूँ, तो मैं इसको ऐसे दिखाती हूँ। तो ये काफी कन्वीनियंट टू यूज पैकेजिंग है इसका
एंड इजी टू कैरी है, आप कहीं भी इसको कैरी कर सकते हो, मतलब कोई लीक आउट होने का चांसेस वगैरह कुछ नहीं है। तो इसकी अगर क्वांटिटी की बात करें, यू गेट 125 ml ऑफ द प्रोडक्ट प्राइस्ड एट ₹450 एंड इसका शेल्फ लाइफ 2 years है। और इसमें कई सारे अच्छे इंग्रेडिएंट्स भी यूज किए गए हैं, सच एज एक्वा ग्लिसरीन, देन सॉर्बिटॉल है, एलेंटोइन है, एंड देन इसमें सोडियम लैक्टेट भी यूज हुआ है, लैक्टिक एसिड यूज हुआ है, काफी सारे अच्छे इंग्रेडिएंट्स इसमें यूज हुआ है। तो सिंपल आजकल बहुत ट्रेंड में है, मतलब सिंपल का फेस वॉश जो फ्रेग्रेंस फ्री है, फिर इसका जो टोनर वगैरह है सब फ्रेग्रेंस अल्कोहल एवरीथिंग फ्री है। तो ये जो ब्रांड है काफी इमर्जिंग ब्रांड है अभी, तो मुझे ये वाला जो रिच रिप्लेनिशिंग रिच मॉइस्चराइजर है काफी अच्छा लगा एंड काफी हद तक मेरे स्किन में भी अच्छे से सूट कर गया ये वाला। तो ये जो ब्रांड है सिंपल, तो इनका सारा प्रोडक्ट्स मतलब सोप फ्री, अल्कोहल फ्री, फ्रेग्रेंस फ्री, कलर फ्री, एवरीथिंग मतलब बहुत अच्छे से मतलब आता है। एंड जिनको एलर्जी है मतलब कलर से या फिर फ्रेग्रेंस से या फिर मतलब सोप वगैरह यूज नहीं करना चाहते, बहुत ही माइल्ड प्रोडक्ट्स यूज करना चाहते हो, देन यू कैन सिंपली गो विथ दिस मॉइस्चराइजर। तो चलिए मैं इसकी मतलब जो इसकी कंसिस्टेंसी है मैं आपको दिखा देती हूँ। तो इसकी भी क्रीम लाइक कंसिस्टेंसी है लेकिन बहुत ही अच्छे से अब्सॉर्ब कर जाती है, एकदम भी ऑयलीनेस या फिर चिपचिपाहट आपके स्किन में महसूस नहीं करवाती है। तो आप लोगों ने देखा कि बहुत अच्छे से ये अब्सॉर्ब होगी विद इन फ्यू सेकेंड्स एंड बहुत ही अच्छे से काम करती है। मतलब आपका स्किन अगर एक्सट्रीमली ड्राई है तो मतलब आप अगर 4 hours के इंटरवल में ये लगाएंगे तो आपका स्किन अच्छे से हाइड्रेटेड करेगी ये वाला मॉइस्चराइजर। तो द नेक्स्ट एंड द फोर्थ ऑप्शन जो है मेरे पास, इट इज फ्रॉम द ब्रांड सेबामेट एंड इट इज सेबामेट क्लियर फेस केयर जेल एंड इट इज स्पेशली फॉर एक्ने प्रोन स्किन। तो ये एक जेल लाइक कंसिस्टेंसी में आती है, इसका पैकेजिंग कुछ इस तरह है, ये इनर पैकेजिंग है एंड आउटर एक बॉक्स मिला था मुझे, तो मैं उसको भी मैंने फेंक दिया क्योंकि मैं इसको भी मतलब यूज करती रहती हूँ, तो मैंने उसको आउटर बॉक्स को फेंक दिया है। एंड यू गेट 50 ml ऑफ द प्रोडक्ट प्राइस एट ₹470, मुझे एग्जैक्ट फिगर याद नहीं है तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगी एंड इसका शेल्फ लाइफ 3 years है। तो द मेन इंग्रेडिएंट्स व्हिच हैव बीन यूज्ड इन दिस प्रोडक्ट इज हाइलुरोनिक एसिड। जनरली मुझे मतलब आप सबको पता है कि हाइलुरोनिक एसिड मॉइस्चर बाइंड करने में काफी हेल्प करती है, इसमें एलेंटोइन है, फिर पैंथेनॉल यूज किया गया है, सोडियम कार्बोमर है, सोडियम साइट्रेट है, फिनॉक्सी इथेनॉल एज प्रिजर्वेटिव यूज किया गया है एंड काफी सारा अच्छा इंग्रेडिएंट्स यूज किया गया है एंड इट इज कम्प्लीटली फ्रेग्रेंस फ्री, कलर फ्री एंड ये सिंपल ट्रांसपेरेंट जेल में आती है एंड वाटर लाइक कंसिस्टेंसी है उसका एंड मतलब काफी अच्छा है। मतलब अप्लाई करने के बाद आपको लगेगा कि नहीं आप एक्चुअली बहुत कुछ हेवी वगैरह कुछ भी यूज किया है, आपको लगेगा ही नहीं कि आपने अपने स्किन पे कुछ अप्लाई किया है। तो मैं आपको अभी इसका कंसिस्टेंसी दिखाती हूँ। तो देखिए मतलब लगेगा कि नॉर्मल जेल है। तो ये काफी अच्छे से मतलब बहुत अच्छे से अब्सॉर्ब हो जाती है। तो मैंने जो भी ऑप्शंस मतलब इससे पहले भी दिखाया सब ऑप्शंस जो है बहुत अच्छे से स्किन में अब्सॉर्ब हो जाती है, मतलब और चिपचिपाहट ऑयलीनेस कुछ भी नहीं देती है। तो ये देख सकते हैं मेरे हाथ में बहुत अच्छे से बहुत ही कम समय में ये अब्सॉर्ब हो गया है। तो ये मतलब स्पेशली फॉर एक्ने प्रोन स्किन है। तो मैं जब बैंगलोर से यहाँ पे आई थी, यहाँ का वेदर बहुत ही मतलब ये हॉट था, मतलब बहुत ही गर्मी थी यहाँ पे, तो मेरे फोरहेड पे अभी भी एक बड़ा सा पिंपल है, यहाँ पे देख सकते हैं आप, तो काफी सारे छोटे छोटे पिंपल्स भी हो गया था। तब मैं स्पेशली इसको यूज करी थी मतलब नाइट टाइम में, तो नेक्स्ट दिन सुबह होते ही मैं जब देखती थी कि हाँ मेरा पिंपल्स रिड्यूस हो गया, मतलब छोटा छोटा जितना पिंपल्स था सब चला गया, ये फिर यही एक बड़ा वाला पिंपल रह गया है। तो मैं इसको अभी क्या करती हूँ, हाथ में लेती हूँ ऐसे, तो इसके ऊपर ऐसे करके लगा के रख देती हूँ। तो इसका साइज काफी बड़ा था, अभी रिड्यूस होते होते उतना आया है। तो द लास्ट एंड फाइनल प्रोडक्ट इज फ्रॉम द ब्रांड क्लिनिक, इट नीड्स नो इंट्रोडक्शन एट ऑल एंड इट इज क्लिनिक्स मॉइस्चर सर्च 100 hour ऑटो रिप्लेनिशिंग हाइड्रेटर। तो इसकी पैकेजिंग कुछ इस तरह है। तो ये इनर पैकेजिंग है, आउटर एक कार्डबोर्ड बॉक्स में आई थी, तो मैंने उसको भी फेंक दिया है क्योंकि मैं इसको भी रेगुलरली यूज करती हूँ मतलब ऑल्टरनेटिवली। तो इसकी कंसिस्टेंसी कुछ इस तरह है एंड ये काफी लाइटवेट फॉर्मूला है, तो मैं अपने हाथ में इसको अप्लाई करके दिखाती हूँ। एंड ये थोड़ा प्राइसी है, यू गेट 15 ml ऑफ द प्रोडक्ट प्राइस एट ₹950 एंड इसका शेल्फ लाइफ 3 years है।
ये भी एक फ्रेग्रेंस फ्री ऑप्शन है, मतलब ये मतलब मैंने इसको टॉप पे रखा है क्योंकि इसका कंसिस्टेंसी बहुत अच्छा है और मतलब अच्छे से अब्जॉर्ब कर लेती है और स्किन को सॉफ्ट सिल्की स्मूथ सुपर सपल बना देती है। मतलब आप मैं इसको नाइट में प्रेफर मतलब यूज करना प्रेफर करती हूँ क्योंकि नेक्स्ट दिन सुबह आप जब रात को इसको अप्लाई करते हो नेक्स्ट दिन सुबह आप सोके उठते हो तो आपका स्किन काफी अच्छा हो जाता है, मतलब टेक्सचर वाइज काफी अच्छा हो जाता है। मतलब क्लिनिक ऐसे ही मतलब इतना प्राइसी नहीं है ये वाला ब्रांड क्योंकि इनका सारा जो प्रोडक्ट्स है, तो मुझे इसके साथ एक लीप का कुछ फ्री मिला था, लीप मतलब हाइड्रेटर मतलब लीप बाम टाइप का, वो भी काफी अच्छा है। मतलब क्रैक्स वगैरह हुआ आपके लिप पे तो वो आप लगाओगे तो झट से आपका लिप अच्छे से मतलब हाइड्रेटेड होके मतलब वो जो क्रैक्स वगैरह है वो हील हो जाएगा बहुत अच्छे से। तो ये था मेरा रिव्यू एंड रिगार्डिंग दिस फाइव प्रोडक्ट्स, फ्रेग्रेंस फ्री ऑप्शंस ऑफ द मॉइस्चराइजर्स। तो ये था मेरा रिव्यू, मेरा ओन रिव्यू था। तो आपने भी अगर इन फाइव में से कोई भी एक यूज किया है तो आपका रिव्यू कैसा है वो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। एंड अपार्ट फ्रॉम दिस फाइव मतलब आपके पास कुछ अच्छा ऑप्शंस है तो वो भी मेरे चैनल मतलब वीडियो के कमेंट में बताइए तो मैं भी ट्राई आउट करने का सोचूंगी उसको। तो इसमें से मतलब आप मैंने प्राइस वगैरह सब कुछ डिस्कस कर दिया है तो आप अपने हिसाब से मतलब अपना मतलब बजट के हिसाब से या फिर अपने प्रेफरेंस के हिसाब से आप अपना जो प्रोडक्ट है वो चूज कर सकते हो। तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारा मतलब अच्छे से एक्सप्लेन करके लिख दूंगी तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके मतलब अपने वीडियो का कोई पार्ट मिस किया तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी जाके आप लोग देख सकते हो कि किसका कौन सा क्या प्राइस है। So if you like this video, please do give a thumbs up and also subscribe to my channel. Also hit the notification bell icon beside it so that you get notified whenever I post a new video. Thank you so much for watching the video, guys. Bye bye.